ओके माई डियर फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड इलस्ट्रेशन एंड होपफुली आपको पहले दोनों के दोनों इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, पर फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो दैन यू कैन कॉल मी। मैंने पिछले वीडियो में अपना मोबाइल नंबर आपको दिया ही था, ठीक है, तो इस वीडियो के अंत में भी मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा। यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम बट बिफोर 12 PM एंड आफ्टर 6 AM इन द मॉर्निंग। फाइन, इलस्ट्रेशन नंबर 3, द डेटा अबाउट शुगर प्रोडक्शन ऑफ अ शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम द ईयर 2008 टू 2015 आर एज फॉलोस। आप देख सकते हो ऐसा लिखा हुआ है, 2008 से 2015 का डेटा दिया है और नीचे भी आपको दिख रहा होगा ईयर की जो रो है उसमें 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिया है, राइट। प्रिपेयर इंडेक्स नंबर्स बाय फिक्स बेस मेथड फ्रॉम दिस डेटा। फिक्स बेस मेथड का यूज़ करना है, मतलब बेस में फिक्स जाएगा, राइट। बाई टेकिंग एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2009, 2010 एंड 2011। बेटा आप ये लोग बोल रहे हैं कि एवरेज कर देना, किसका, 2009, 2010, 2011। आप समझ सकते हो कि सम्स के पैटर्न बदलते जा रहे हैं, राइट। पहला सम था उसमें 2005 को ही बेस ईयर बना दिया था, दूसरे पैटर्न में जनरल इंडेक्स नंबर के बारे में बताया था और अब तीसरे में करना वही है, फिक्स बेस ही है, ठीक है, लेकिन इसमें एक पैटर्न चेंज किया। क्या किया, 3 साल का एवरेज करके बेस बनाओ। ओके, 3 साल का एवरेज करके बेस बनाएंगे तो कैसे होगा, तो देखो 2009 का आपका डेटा है 196 ले लो, 2010 का है 202 ले लो, 2011 का है 2014, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट मैनर में आपको दिख रहा होगा कि ये आप अच्छे से देखो, ये थोड़ा स्क्रीन ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा, वो एरिया जहाँ पर मेरा ये कर्सर जा रहा है वो आप देखो, 196, 202, 2014 कहाँ से आया, यहाँ से। ओके, तो ये उठा के डाल दिया। अब ये 3 साल थे 2009, 10 और 11, तो 9, 10, 11 को ही पकड़ करके यहाँ पर हमने ले लिया, 196 प्लस 202 प्लस 214 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया आपका 612 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 204, ठीक है। वो आप कैलकुलेटर पे करोगे तो यू विल गेट इट। तो अभी आपका जो बेस है उस बेस में क्या जाएगा, पता है, ये 204 क्या जाएगा, ये जाएगा क्या, 204 क्या जाएगा, ये जाएगा 204 क्या जाएगा, ये जाएगा 204 क्या जाएगा, 204, इज इट क्लियर, ठीक है। तो भाई इसको नीचे कर भाई, ये ऊपर क्यों आया, हाँ 204, राइट, फाइन इनफ। अब बेटा अब क्या करना है, क्या क्या करना है सर, 3 कॉलम्स बनाएंगे, पहला ईयर, फिर प्रोडक्शन, फिर P1 अपन P0 इंटू 100। ईयर में क्या लिखेंगे, 2008 से लेकर 2015, देखो 2008, 9, 10, ईयर का कॉलम 11, 12, 13, 14, 15, यस 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 यस। व्हाट अबाउट द प्रोडक्शन, 186, 196, 202, 214, 229, 216, 26, 230, राइट, तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यस 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 यस। नाउ व्हाट अबाउट पी ओपन, पी जीरो, 186 को उठा के रखो, वो P1 2008 का जो सामने फिगर दिख रहा है, ये फिगर, वो P1 किसके लिए, 2008 के लिए। व्हाट अबाउट P0, P0 ढूंढ लिया है, बेस सबका कॉमन 204, बेस सबका कॉमन 204, देखो कॉमन 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, और ऊपर ऊपर यहाँ 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 से उठा उठा के ऊपर डालने का, बराबर, और फिर क्या करने का सर, फिर क्या करने का बेटा, कैलकुलेटर उठाने का, डिवाइड करने का, इंटू 100 करने का, और मस्त मजे के आंसर आपके पास आके खड़े हो जाएंगे और ये आपका आंसर ख़त्म, बराबर। जब डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स ही दिए हो, आइटम्स नहीं दिए, तो उसका टोटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, देखो सेकंड सम के अंदर ईयर दो ही दिए थे, 2014, 2015 और आइटम दिए थे और जनरल इंडेक्स मांगा था, तो हमने सबका क्या जनरलाइज कर दिया था। जनरलाइज का मतलब समझते हो ना, जनरल कर देना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके क्लास के जनरल मार्क क्या है, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हो सबका जो भी आपका टोटल आएगा उसको, सबका इंडिविजुअल जो परसेंटेज होगा उसका टोटल मार्केट डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देंगे, वैसा वहाँ किया था, राइट। तो इसलिए वहाँ जनरल इंडेक्स नंबर होने की वजह से हमने P1 अपन P0 करके निकाला था, सेकंड इलस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, राइट, ब्रेड वाला था, ब्रेड बटर चीज़ वाला उसमें, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें आइटम एक ही है, ईयर अलग अलग है, तो बस इसको साइड पे अपने निकाल के छोड़ दिया, यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो गया, क्लियर। तो होपफुली आशा रखता हूँ कि आपको ये क्लियर होगा, यहाँ पर चेंज किया हुआ, यहाँ पर चेंज ये हुआ बेटा कि बेस में इन्होंने 3 साल का एवरेज लिया है, ठीक है। तो पहले इलस्ट्रेशन में एक ही ईयर का बेस था, दूसरे इलस्ट्रेशन में जनरल इंडेक्स निकालना था, वो डिफरेंस था, और तीसरे में क्या डिफरेंस आ रहा है, तीसरे में डिफरेंस यही आ रहा है कि तीसरा समझो उसके अंदर बेस में 3 साल लिए, 2 साल भी ले सकते हैं, 4 साल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये खाली और खाली डिपेंड किसके ऊपर करता है, इसी के ऊपर करता है, इज इट क्लियर। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं अपना ये वीडियो जो है उसको एंड करता हूँ। वंस अगेंस्ट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक।
और अगर आपको कोई कमेंट्स देने हैं तो आप कमेंट्स भी दे सकते हो। आई एम वेरी ग्रेसफुल टू यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मेरा मोबाइल नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9898754219, प्रोफेशनल स्टडी सेंटर। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम PSC नाउ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थर्ड वीडियो, गो फॉर इट। एंड ऑफ कोर्स उसके नीचे और दो संदिए होंगे दैट यू हैव टू डू। फाइन, थैंक यू।